अच्छा, पिछली दो एग्जाम्पल्स जो हमने देखी हैं, एग्जाम्पल वन एंड टू, वो एग्जाम्पल्स थी सिंगल लोकेशन एंटिटीज के हवाले से। अब हम ज़रा मल्टीपल लोकेशन एंटिटी की एग्जाम्पल देखते हैं, और यह है एग्जाम्पल थ्री, और यह है ग्लोबल एग्रीमेंट के हवाले से। देखिए, एमएलईज होगी, या हम अगर एमएनसीज कहें, मल्टीनेशनल कंपनीज कहें, अगर ये बाज़ुकात इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स या कॉस्ट बेनिफिट हासिल करने के लिए इस तरह करती हैं कि अपने पूरे ग्रुप के लिए सर्विसेज परचेज करने के लिए किसी एक अपनी कंपनी को ऑथराइज कर लेती हैं, जो कि सेंट्रलाइज परचेजिंग कंपनी कहलाती है। ये सेंट्रलाइज परचेजिंग कंपनी किसी और कंपनी से, जो मोस्ट लाइकली खुद भी एमएलईज होती हैं, उनसे सर्विसेज प्रोक्योर करती हैं, परचेज करती हैं, और फिर उसके बाद ये सर्विसेज जो उनसे परचेज करती हैं, ये आगे अपनी जो सब्सिडरीज हैं या एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको ऑनवर्ड ये सप्लाई कर देती हैं। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल निस्बतन थोड़ी सिंपल है, इसमें कुछ मोर कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं, वो अगली एग्जाम्पल में हैं, तो वहाँ पर हम उनको देखेंगे। पहले इस एग्जाम्पल को हम ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके फैक्ट्स क्या हैं। अच्छा, इस एग्जाम्पल के फैक्ट्स में जाने से पहले अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो टैक्स ज्यूरिसडिक्शंस हैं वो तीन हैं, कंट्री ए, कंट्री बी और कंट्री सी। और अगर हम देखें कलर कोडिंग के हवाले से, तो हमें एक ये जो ब्लू कलर जो नज़र आ रहा है, ये एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ये कंपनी ए एंड ग्रुप है, और दूसरा जो ग्रे कलर में हमें नज़र आ रहा है, ये कंपनी एस ग्रुप है। और अगर हम देखें तो कंपनी ए भी इन तीनों ज्यूरिसडिक्शंस के अंदर मौजूद है, और कंपनी एस और उसकी सब्सिडरीज या एस्टेब्लिशमेंट्स भी बाहर इन तीनों ज्यूरिसडिक्शंस के अंदर मौजूद हैं। अब यहाँ हो ये रहा है कि कंपनी ए की एक सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग कंपनी है, जो बजाते खुद कंपनी बी कहलाती है, और वो खुद से सब्सिडरी है कंपनी ए की। कंपनी ए इस ग्रुप की पेरेंट कंपनी है। अच्छा, अब ये सेंट्रलाइज परचेजिंग कंपनी है, ये इसको चाहिए अपने पूरे ग्रुप के लिए सर्विसेज ऑडिट की। हमें पता है कि ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है कि ऑडिट करवाया जाए कंपनी के रिकॉर्ड्स का एनुअली, और ये कंपनी ए को भी चाहिए, कंपनी बी को अपने लिए भी चाहिए, कंपनी डी को भी चाहिए, कंपनी सी को भी ऑडिटिंग की सर्विसेज चाहिए। तो एक तो शायद ऑप्शन ये हो सकता था कि इंडिविजुअली कंपनी ए, बी, सी और डी जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज ऑडिटिंग फर्म से कॉन्ट्रैक्ट करती और ऑडिट करवा लेती, लेकिन शायद कॉस्ट बेनिफिट्स हासिल करने के लिए कंपनी बी ने ग्लोबल लेवल के ऊपर एक एग्रीमेंट कर लिया है एक ऑडिटिंग कंपनी से, जो बेसिकली एक खुद मल्टीपल लोकेशन एंटिटी है। इसकी जो सब्सिडीज हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं, और उनमें से दो कंट्री ए और कंट्री बी और कंट्री सी जो हमारे एग्जाम्पल में, उनमें भी मौजूद हैं। इस एग्जाम्पल में छह सर्विसेज हैं। सर्विस वन कंपनी एस से कंपनी बी को जा रही है, सर्विस टू और थ्री कंपनी टी और यू से कंपनी एस को जा रही हैं, सर्विस फोर कंपनी बी से कंपनी ए को जा रही है, सर्विस फाइव एंड सिक्स कंपनी बी से कंपनी डी और कंपनी सी को जा रही हैं। तो इससे हमें शायद नज़र आता ये है कि कंपनी एस जो है वो कंपनी टी और यू से सर्विसेज लेकर कंपनी बी को दे रही है, और कंपनी बी जो है ये सर्विसेज कुछ खुद इस्तेमाल कर रही है, और कुछ जो है वो आगे कंपनी ए, कंपनी डी और कंपनी सी को दे रही है। अब यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि देखा जाए कि जो कंपनी बी और कंपनी एस के दरमियान, या बाकी अदरवाइज अगर कोई एग्रीमेंट्स हैं, वो किस तरह से हैं और वो कैसे हैं। तो हम ज़रा इन एग्रीमेंट्स के हवाले से जो डिटेल प्रोवाइडेड है इस एग्जाम्पल के फैक्ट्स में, उसको पढ़ लेते हैं ताकि गलती का कोई अहतमाल ना रहे। कंपनी बी एंटर्स इन टू सेपरेट बिजनेस एग्रीमेंट्स विद इट्स पेरेंट कंपनी ए एंड कंपनी ए सब्सिडरीज सी एंड डी। अंडर दीज बिजनेस एग्रीमेंट्स कंपनी बी सप्लाइज द ऑडिटिंग सर्विसेज दैट इट हैज एक्वायर्ड फ्रॉम कंपनी एस टू कंपनी ए एंड टू कंपनी ए सब्सिडरीज सी एंड डी। तो यहाँ तक तो बात वही है कि कंपनी बी जो है वो सर्विसेज ले रही है कंपनी एस से, और वो सर्विसेज लेने के बाद ये सर्विसेज कंपनी ए को और कंपनी ए की जो सब्सिडीज हैं डी और सी, उनको आगे दे रही है। बहरहाल, हम थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं कि एग्रीमेंट्स किस तरह से बयान किए गए हैं। दे आर सिक्स सेपरेट बिजनेस एग्रीमेंट्स इन दिस एग्जाम्पल।
ईच लीडिंग टू अ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर एग्रीमेंट जो है उसके अगेंस्ट, उसके अंदर एक सर्विस भी है और सर्विस के अगेंस्ट कंसिडरेशन भी है। कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जिसके अंदर ये सर्विस और कंसिडरेशन का एलिमेंट ना हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हम उसको जा देखेंगे। फिलहाल इसमें ये कम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसमें ये आसानी है कि सर्विस भी मौजूद है और सर्विस के अगेंस्ट जो है वो कंसिडरेशन भी तमाम एग्रीमेंट्स के अंदर मौजूद है। कंपनी एस इज द सप्लायर एंड कंपनी बी इज द कस्टमर अंडर द सेंट्रलाइज्ड परचेज एग्रीमेंट व्हिच इज सर्विस वन। जी, तो यहाँ पर इस सर्विस वन की बात की जा रही है कि एक सेंट्रलाइज्ड परचेज एग्रीमेंट है कंपनी एस और कंपनी बी के दरमियान। कंपनी टी एंड यू आर द सप्लायर्स एंड कंपनी एस इज द कस्टमर अंडर टू डिफरेंट बिजनेस एग्रीमेंट्स, सर्विस टू एंड सर्विस थ्री। जी, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कंपनी टी और कंपनी यू के एग्रीमेंट्स हैं कि उन्होंने सर्विस टू और सर्विस थ्री देनी है कंपनी एस को, और ये सर्विस बेसिकली आ गया ऑनवर्ड, ये फिर कंपनी एस जो है वो कंपनी बी को दे रही है। अच्छा जी, रिमेनिंग जो तीन एग्रीमेंट्स हैं उसमें कंपनी बी इज द सप्लायर और कंपनी ए कस्टमर है सर्विस फोर के लिए। अगेन कंपनी बी इज सप्लायर एंड कंपनी डी एंड सी आर कस्टमर्स फॉर सर्विस फाइव एंड सिक्स। जी, तो ये सर्विस फोर के लिए कंपनी बी सप्लायर है, कंपनी ए कस्टमर है। सर्विस फाइव और सिक्स के लिए कंपनी बी सप्लायर है, कंपनी डी और सी जो है वो कस्टमर है। जो अहम बात हमें यहाँ जहन में रखनी है वो ये है कि द प्लेस ऑफ टैक्सेशन विल बी डिसाइडेड फॉर ईच सप्लाई इंडिविजुअली। जी, तो इस एग्जाम्पल से हमें ये तो समझ आ गया है कि ये बी टू बी रूल्स का केस है और ये बेसिकली एम एल ईज हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, और उसमें जो एग्रीमेंट हो रहा है वो एक ग्लोबल एग्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद फिर सर्विसेज जो हैं वो मजीद आगे सप्लाई की जा रही हैं। अब इसमें प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि कंपनी बी जो है वो एंटर हो रही है एग्रीमेंट में कंपनी एस के साथ। दो कंपनी बी ये जो सर्विसेज कंपनी एस से ले रही है वो आगे कंपनी डी को दे रही है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये नहीं हो रहा कि कंपनी बी जो है वो कंपनी डी का या सी का या कंपनी ए का ऑडिट कर रही है, और ये पॉसिबल भी नहीं है, और ऐसा ऐसा कोई ऑडिट जो है शायद उसकी इजाज़त भी नहीं होगी, ये तो सेल्फ ऑडिट हो जाएगा। असल में ऑडिट जो हो रहा है वो कंपनी एस और उसकी सब्सिडीज कर रही हैं। कंपनी एस कंपनी बी का भी ऑडिट कर रही है और कंपनी एस कंपनी ए का भी ऑडिट कर रही है। कंपनी एस बजाते खुद कंट्री बी और सी में चूंकि मौजूद नहीं है, इसलिए फिर इसने एंगेज कर लिया है अपनी दो सब्सिडीज को, कंपनी टी और कंपनी यू को, और कंपनी टी ऑडिट कर रही है कंपनी डी का और कंपनी यू ऑडिट कर रही है कंपनी सी का। लेकिन जो बिजनेस एग्रीमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे कंपनी टी और डी के हवाले से अगर हम देखें, तो बिजनेस एग्रीमेंट में जो सर्विस है उसके लिए कस्टमर कंपनी एस है, कंपनी डी नहीं है, या सर्विस थ्री के लिए जो बिजनेस एग्रीमेंट है उसके लिए कस्टमर कंपनी यू के लिए जो कि सप्लायर है कंपनी सी नहीं है, कंपनी एस है। तो यहाँ पर फिर ये बात कि क्या ऐसी सूरत में गाइडलाइन 3.2 का जो जनरल रूल है वो एप्लीकेबल हो सकता है कि जहाँ पर सर्विसेज डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर ना की जा रही हों बल्कि थर्ड पार्टी को डिलीवर की जा रही हों। तो इस केस में अगर हम देखें कंपनी टी और कंपनी यू के लिए, तो वो सर्विसेज बहरहाल डिलीवर तो कंपनी डी को और कंपनी सी को रेस्पेक्टिवली वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। गाइडलाइन 3.2 जो है उनकी जो कमेंट्री है चैप्टर 3 के अंदर, उसमें इस बात का एक्सप्लेनेशन काफ़ी वाजे है कि ऐसी सूरत में बहरहाल आप जो हैं वो बिजनेस एग्रीमेंट को ही लेके चलेंगे, अंटिल अनलेस के उसके अंदर कोई फ्रॉड या ऐसे कोई एलिमेंट्स का खदशा मौजूद ना हो। तो फिर इसका मतलब ये हुआ जी कि हम तमाम जो बिजनेस एग्रीमेंट्स हैं उनको इंडिविजुअली हम देखेंगे, और उसमें जो कस्टमर है और जहाँ वो लोकेटेड है बस उसके हवाले से हम प्लेस ऑफ टैक्सेशन को डिटरमिन कर लेंगे। तो फिर सर्विस वन में
कस्टमाइज कंपनी बी जो कि लोकेटेड है कंट्री ए के अंदर, तो टैक्सेशन का राइट कहाँ आ जाएगा? कंट्री ए के अंदर। सर्विस टू में और थ्री में कस्टमाइज कंपनी एस जो कि लोकेटेड है कंट्री ए में, तो फिर कंपनी टी और कंपनी यू जो हैं वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन का वैट चार्ज नहीं करेंगी, अपनी ज्यूरिसडिक्शन से वो इसको जीरो रेट करके निकालेंगी, और फिर कंपनी एस जो है वो फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू जो है टैक्स पे करेगी कंट्री ए में, क्योंकि हमारी प्रॉक्सी जो है वो कस्टमर की लोकेशन है गाइडलाइन 3.2 के अंदर। सर्विस फोर में अगर हम देखें तो कंट्री बी और कंट्री ए दोनों एक ही ज्यूरिसडिक्शन यानी कि कंट्री ए के अंदर मौजूद हैं। बहरहाल गाइडलाइन 3.2 के हवाले से तो जो कस्टमर है वो कंपनी ए है विच इज़ लोकेटेड इन कंट्री ए, तो अगेन टैक्सेशन का राइट जो है वो कंट्री ए में आ गया। और सर्विस फाइव और सर्विस सिक्स के हवाले से अगर हम देखें, सप्लायर तो कंपनी बी है, जो कस्टमर है वो लोकेटेड है कंपनी डी और सी कंट्री बी और सी के अंदर रिस्पेक्टिवली, तो फिर जो टैक्सेशन का राइट है जहाँ कस्टमर लोकेटेड है यानी कि कंपनी डी के लिए इस केस में कंट्री बी में टैक्सेशन का राइट अक्रू हो रहा है, और सर्विस सिक्स के हवाले से चूंकि कस्टमर कंपनी सी है जो कि लोकेटेड है कंट्री सी के अंदर, तो टैक्सेशन का राइट जो है वो कंट्री सी के अंदर अक्रू हो रहा है।